हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक ट्रेंड यानी कि पीरियोडिक टेबल में किसी एटम के गुण किस प्रकार चेंज होते हैं, इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें कुछ मूलभूत जानकारियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन किस किस कक्षा में भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यह बताता है कि एटम के चारों ओर जो ऑर्बिटल्स यानी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे गए हैं, यानी कि उनका विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो कक्षक पाए जाते हैं उनको हम नाभिक से बढ़ते हुए क्रम में के एल एम एन ओ यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा कहते हैं। के एल एम एन बुक में एन तक दिया गया, इसके बाद ओ भी आता है, ठीक है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए तीन मेन रूल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम रूल नंबर वन की बात करें, एल प्लस एल का नियम, एन प्लस एल का नियम, जिसमें जिस कक्षक के लिए एन यानी कक्षा की वैल्यू कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा, और एन कक्षा की वैल्यू अगर दो कक्षकों के लिए समान है तो एन प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। दूसरा है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में एक ही जैसे स्पिन में फिल नहीं किए जा सकते, यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन समान सेम स्पिन में फिल नहीं हो सकते। इसके बाद है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम यह कहता है कि उपकक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाएंगे, उसके बाद में जब उपकक्षक पूरा भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। इसको हम हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है 2p2, तो आगे जो पी के आगे जो 2 लिखा हुआ है वो शो करता है एनर्जी लेवल को, उसके बाद पी शो करता है एनर्जी का सब सिंबल या कक्षक को, ये एस कक्षक हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है, और पी के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये सबसेल यानी कि उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, जैसे सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। इसमें एक चीज़ आप मेनली देखिए, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जा रहे हैं, 3d में इलेक्ट्रॉन उसके बाद में भरे जा रहे हैं। 4s कक्षक बाह्य कक्षक है, फिर भी पहले 4s भरा जाएगा और बाद में 3d भरा जाएगा, क्योंकि 4s का ऊर्जा स्तर 3d से कम है। जो उपकक्षाएं होती हैं, मैलियम 4 उपकक्षा है, एस उपकक्षक का, पी उपकक्षक का, डी और एफ, एस पी डी एफ। परमाणु के किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसकी गणना हम एक सूत्र से करते हैं, जो सूत्र है 2n² यानी 2n^2, जहां n उस कक्षा की संख्या को बताता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे मैं हम आयरन Fe को कंसिडर करते हैं। आयरन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 होती है, तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम दिया गया है, जैसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4d, तो इनमें लगातार हम इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर लास्ट में 6। तो पहले भरा गया है 4s इलेक्ट्रॉन, 4s कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भरा गया है 3d इलेक्ट्रॉन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 3d कक्षक में हमने पहले देखा था कि अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो 3d में अर्धपूरित कब होगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पूर्ण पूरित कब होगा, डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो डी कक्षक में इस समय 6 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए आयरन क्या करता है, इस
3D कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और 3D6 की जगह 3D5 बनाने की प्रकृति रखता है। इसके साथ ही ये 4s के दो इलेक्ट्रॉनों को भी त्याग देता है, जिससे आयरन टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों का, 4s कक्षक से दो इलेक्ट्रॉनों का और 3D6 से एक इलेक्ट्रॉन का। तो 3D6 से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो 3D5 हो जाएगा और 4s से दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके 4s2 की जगह 4s0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉनों भरने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी एटम की प्रकृति में, गुणों में क्या परिवर्तन आते हैं उसका अध्ययन करेंगे, और पीरियोडिक टेबल में वो गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं इसको हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।